आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ, बिंदास हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का हमारा सेशन है कि कैसे हम पीएलआई या फिर आरपीएलआई को जो है अपना ऑनलाइन प्रोसेस करें, ठीक है। कैसे हम उसको जो है ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम की काफी शॉर्टेज है, काफी लोग वर्किंग रहते हैं, और जब वर्किंग रहते हैं तो मंथली जो है पोस्ट ऑफिस आना काफी हेक्टिक लगता है और पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कई बार। तो ऐसे में कस्टमर चाहता है कि उनको जो है ये जो फैसिलिटी है वो ऑनलाइन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है, वो ऑनलाइन ही अपना लेन देन कर सके, ऑनलाइन ही अपना प्रीमियम वगैरह मंथली डिपॉजिट कर सके, और बाकी जो भी पीएलआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनकी पॉलिसी बॉन्ड से रिलेटेड वो उनको ऑनलाइन ही मिल जाए। तो इसलिए ये जो वीडियो है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जो है पीएलआई अकाउंट होल्डर्स के लिए, ठीक है साथियों। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, और अगर अभी तक आप मेरे साथ इस पे नए हैं यूट्यूब पे और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी टाइप की और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है टाइमली आप तक पहुंच सके, आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसलिए फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नीचे लाल बटन को दबा दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फिर आगे मूव ऑन करते हैं। तो इसके लिए जैसे मैं बताना चाहूंगी आपको, जैसे आपको प्रीमियम वगैरह अपना मंथली जमा करना है अगर ऑनलाइन, तो उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस रहता है कि आपका जो पॉलिसी बॉन्ड है, आपकी जो पॉलिसी है, आपको सबसे पहले उसको ऑनलाइन रजिस्टर कराना होगा। उसमें उसके लिए क्या करना होगा ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए, उसके लिए पहले क्या होता था, जून 2020 से पहले होता था कि आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, वहां पे केवाईसी फॉर्म भरना पड़ता था, साथ ही साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड की जीरोक्स लगानी पड़ती थी और अपने पॉलिसी बॉन्ड की भी जीरोक्स लगानी पड़ती थी, ठीक है। फिर उसको जो है पोस्ट ऑफिस में, हेड पोस्ट ऑफिस में जमा करना पड़ता था, और उसके बाद इसको अपडेट होने में भी काफी वक्त लग जाता था, ठीक है साथियों। लेकिन अब ये प्रोसेस काफी आसान हो गया है, इसको काफी आसान बना दिया गया है, अब आप जो है सिर्फ 2-4 मिनट में ही अपना ऑनलाइन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी अपडेट करा सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी भी केवाईसी फॉर्म की जरूरत नहीं होगी। आप सिंपल एक जो है A4 साइज पेपर ले सकते हैं, प्लेन पेपर, या फिर कोई भी अपनी नोटबुक का पेपर ले सकते हैं, उस पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी लिखकर भी, हिंदी वर्जन वालों को भी और इंग्लिश वालों को भी, जिनको हिंदी में चाहिए उनके लिए हिंदी और जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में लिखकर दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है साथियों। तो फिर ये प्रोसेस जो है काफी आसान हो गया है, इसके लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक प्लेन पेपर पे ही कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के नियर बाय हेड पोस्ट ऑफिस में आपको जमा कर देनी है, और वो साथ ही साथ आपके हैंड टू हैंड ही आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके, ऑनलाइन आपका फोन नंबर एंड ईमेल आईडी अपडेट करके आपको बता देंगे, ठीक है साथियों। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की इन्फॉर्मेशन अभी बाद में ही बताते हैं, पहले आपको दिखा देते हैं इंग्लिश और हिंदी में कैसे लिख के देना है। ओके फ्रेंड्स, साथियों इसके लिए हमें एक प्लेन पेपर लेके उस पर लिखना होगा, प्लीज रजिस्टर और लिंक माई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विद माई पीएलआई पॉलिसी। ओके फ्रेंड्स, फिर लिखना होगा फर्स्ट पॉइंट की माई पॉलिसी नंबर, फिर आपका जो भी पॉलिसी बॉन्ड का नंबर होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। आफ्टर दैट आएगा माई मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो आप उससे लिंक कराना चाहते हैं, जिस पे आपके नोटिफिकेशन वगैरह आए और जिसका यूज़ करके आप फर्दर जो है अपनी डिटेल्स वगैरह सबमिट कर पाएँ, वो वाला मोबाइल नंबर दे देंगे आप, ठीक है साथियों। आफ्टर दैट आता है कि माई ईमेल आईडी, माई ईमेल आईडी अपनी जो है करेक्ट ईमेल आईडी इसमें आप लिख देंगे, ठीक है, साथ ही साथ डेट मेंशन कर देंगे, जैसे मैंने आज 25 मार्च में अभी ये लिखा है आपके लिए बनाया फॉर्मेट, तो ये मैंने 25 मार्च मेंशन कर दी है। फिर इधर अपना नाम लिख देंगे, सिग्नेचर कर देंगे और इसके नीचे एड्रेस लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जिनको चाहिए कि इंग्लिश में हम लिख करके दें, इंग्लिश को वो ज़्यादा कंपेटिबल समझते हैं। फिर आता है हिंदी वालों की बात, अगर हिंदी में देना है तो ऐसे लिख के दे देंगे, कृपया मेरी पीएलआई पॉलिसी के साथ मेरा मोबाइल नंबर एवं और ईमेल आईडी पंजीकृत करें, उसमें सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे इंग्लिश में लिखा था, बस ये हिंदी वर्जन हो जाएगा, मेरा पीएलआई पॉलिसी नंबर, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, दिनांक,
एंड यहाँ पे अपना नाम एंड सिग्नेचर कर देंगे और यहाँ पे पता लिख देंगे, मतलब एड्रेस लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये लिखने के बाद आप जो है नियर बाय हेड पोस्ट ऑफिस में, नॉट ओनली पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस में जाना होगा आपको, वहाँ पे PLI सेक्शन में इसको जमा कर देंगे और आप हैंड टू हैंड जो है इसको ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद वो आपको बता देंगे, कुछ टाइम बाद आपका ये दोनों जो है अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको एक कस्टमर ID जनरेट करनी होगी, ठीक है, और पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो चलिए अभी जानते हैं आगे की प्रोसेस में क्या होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, आई होप इस प्रोसेस में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप इसको होपफुली अच्छे से कर लेंगे सक्सेसफुली। एंड नेक्स्ट जो कस्टमर ID एंड पासवर्ड जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए PLI से रिलेटेड या पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम से रिलेटेड या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, मैक्सिमम हेल्प आपकी कोशिश करेंगे कि कर पाए, ठीक है साथियों। और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खाते पीते रहिए, ठीक है साथियों। बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।